भारतीय जनता पार्टी गोवा स्टेट के प्रेसिडेंट श्री विनय तेंदुलकर जी और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट श्री राजन नाईक जी, मंडल अध्यक्ष श्री मारुति देसाई, श्री ओरिशियो डिसूजा और यहां नगर सेवक और दूसरे अन्य काउंसलर, सरपंच, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो पणजी में एक बड़ी सार्वजनिक सभा हुई थी और उस बड़ी सार्वजनिक सभा में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं और उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे श्री नरेंद्र भाई मोदी, दोनों लोग आए थे और उस समय हमने यह अनुरोध किया था, मोदी जी ने भी अनुरोध किया था कि गोवा से दो लोकसभा की सीटें हैं और दोनों लोकसभा सीटों पर आप भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाइए, केंद्र में सरकार बनाइए, यह आपसे अपील की थी। आपने हम लोगों की अपील, हम लोगों की रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और यहां से दो लोकसभा की सीटों पर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर आपने भारत की संसद में भेजा, इसलिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जब इस देश की जनता 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दे रही थी तो उस सरकार बनने वाली सरकार से उस जनता की अपेक्षाएं भी थी। ढाई वर्षों का समय केंद्र में सरकार चलाते हुए गुजर चुका है, स्वाभाविक रूप से आप सबके भी मस्तिष्क में यह सवाल खड़े होते होंगे, ढाई वर्षों के अंदर सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स यह कहेंगे कि सरकार को जितना काम करना चाहिए था नहीं किया, कुछ हमारे लोग होंगे जो कहेंगे कि जितना कहा था उतना किया। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मैं ही नहीं, भारत की राजनीति में काम करने वाला हमारा कोई पॉलिटिकल अपोनेंट ही क्यों न हो, दुनिया के दूसरे देश में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों न हो, इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम यदि किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक फ्रंट पर भी यदि आप देखें, उस समय जब कांग्रेस की हुकूमत थी कैसे हालात इस देश के थे, जीडीपी ग्रोथ रेट भी कितनी डाउन चली गई थी, लेकिन उसके पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, उस समय जीडीपी ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 8.4% तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट आते आते वह अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास आकर रुक गई थी। ढाई वर्षों के अंदर जीडीपी की ग्रोथ रेट को भी बढ़ाने में जहां हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है, वही देश की इकोनॉमी को वही स्ट्रेंथ वह ताकत हमारी सरकार ने दिया है कि आज भारत ही नहीं दुनिया के किसी देश में रहने वाला इकोनॉमिस्ट अब यह बोलने लगा है कि दुनिया में किसी देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो वह हमारे और आपके देश भारत की है। सभी सच्चाई को स्वीकार करने लगे। आपने 70 वर्षों की इस आजादी के काल में लगभग 50 वर्षों से अधिक समय तक कांग्रेस की हुकूमत देखी है, शायद ही कोई एक ऐसा समय रहा होगा जबकि कांग्रेस की सरकारों पर करप्शन के चार्ज न लगे। मैं यहां पर स्वर्गीय लाल बहादुर जी शास्त्री के कार्यकाल की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, निहायत भले आदमी, निहायत ईमानदार, उनके ऊपर मैं दामन के ऊपर कोई दाग नहीं लगाना चाहता और न किसी प्रधानमंत्री के दामन के ऊपर मैं दाग लगाना चाहता हूं अथवा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है
जब जब कांग्रेस की सरकारें आई हैं तब तब कोई न कोई एक बड़ा करप्शन का चार्ज उनके ऊपर लगा है। पिछली कांग्रेस की सरकार, चाहे वो इलीगल माइंस का हो करप्शन, चाहे वो 2G स्कैम हो, अन्य भी बहुत सारे ऐसे करप्शन थे, उसमें उसकी मैं डिटेल में जाकर यहां चर्चा नहीं करना चाहता। लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन मेरे बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि 2.5 वर्षों के कार्यकाल में हमारी सरकार के एक भी मंत्री के ऊपर एक पैसे का भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हम लोगों ने वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, यह वादा किया था। आपको याद होगा, पहली जब हमारी कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उस कैबिनेट की बैठक में पहला कैबिनेट का प्रस्ताव जो पास हुआ था वह प्रस्ताव यही था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि काले धन का पता लगाए जाने के लिए एक SIT बननी चाहिए, तो SIT बनाने का काम सरकार बनने के साथ अपने पहले प्रस्ताव में ही यदि किसी सरकार ने किया था तो आज हमारी दिल्ली की जो सरकार है उस मोदी जी की सरकार ने किया था। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, चाहे जितने भी वर्षों तक हम लोग सरकार चलाएं, भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी सूरत में हमारी सरकार के ऊपर चस्पा नहीं होने पाएगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम केवल सत्ता बदलने के लिए ही देश की जनता से अपील नहीं कर रहे थे, बल्कि सत्ता के साथ साथ हम व्यवस्था में भी परिवर्तन करना चाहते थे और यही हम लोगों से अपील कर रहे थे। सरकार बनने के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, सारे मैं निर्णयों की यहां पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इनकम डिस्पैरिटी को भी मिनिमाइज करने के लिए, आय की विषमता को भी कम करने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। ब्लैक मनी का जनरेशन यह रुके, इसके लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। मैं जानता हूं डीमोनेटाइजेशन, जिसे बोलचाल की भाषा में नोटबंदी कहते हैं, इस फैसले को लेकर भी बहुत सारी आलोचना हुई। मैं मानता हूं कि कुछ समय के लिए कुछ लोगों को कठिनाई हुई, अभी थोड़ा हो सकता है कि महीने डेढ़ महीने की कुछ लोगों को और कोई कठिनाई महसूस हो, लेकिन बहनों भाइयों, यह फैसला राजनीतिक लाभ के लिए हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं लिया है, बल्कि यह फैसला भारत के सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है। देश का मस्तक ऊंचा करने के लिए, करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए, इनकम डिस्पैरिटी को मिनिमाइज करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है। और आज भारत ही नहीं, दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं अब इस डीमोनेटाइजेशन के फैसले की सराहना करने लगे हैं, अब उनकी आर्टिकल्स, उनके लेख आ रहे हैं, उन लेखों को उठाकर आप देखें, आज उनके द्वारा इसकी भूरी भूरी सराहना की जा रही है। हम लोगों ने जहां इस प्रकार के कुछ कदम उठाए, वहीं पर गरीबों के लिए भी, गरीब माताओं बहनों, देखा होगा कई ऐसे परिवार हैं जहां पर कि जिनके पास कुकिंग गैस सिलेंडर नहीं है, लकड़ी जलाकर उन्हें भोजन बनाना पड़ता है, किस तरीके से लकड़ी से निकलने वाले धुएं उनके शरीर में प्रवेश करते हैं। और एक एनालिस्ट ने यह बतलाया था कि एक दिन में खाना जो कोई माता और बहन अपने किचन में बनाती है तो उसे 400 सिगरेट का धुआं उसके शरीर में प्रवेश करता है, इतना हानिकारक होता है। इसको देखते हुए हमारी सेंसिटिव गवर्नमेंट, जो बहुत संवेदनशील सरकार, ने यह फैसला किया कि हम आगामी 3 साल में इस हिंदुस्तान की ऐसी 5 करोड़ परिवार की माताओं बहनों को हम कुकिंग गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, और यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया है और यह काम यहां भी होगा। भारत के डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, वह डिटेल में जाने का यह समय नहीं है, इसलिए नहीं जाऊंगा। इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट होगा इस सच्चाई को स्वीकार करेगा कि हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज में गुड गवर्नेंस देने वाली, बेहतर सरकार चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है।
मैं आपको मध्य प्रदेश नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको गुजरात नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको राजस्थान नहीं ले जाना चाहता, मैं केवल गोवा तक ही आपको मैं यहां सीमित रखना चाहता हूं। गोवा में आपने इसके पहले भी सरकार देखी है, कांग्रेस की सरकार देखी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या उस सरकार के ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं लगे? लेकिन चाहे हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने सरकार चलाई हो अथवा लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने सरकार चलाई हो, मैं समझता हूं कि सरकार के ऊपर कोई करप्शन के चार्जेज कभी नहीं लगे। इतना ही नहीं, इस सरकार ने इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए, जब मुझे पहली बार इसकी जानकारी मिली तो स्वयं मैं भी अचंभित था। जब मैं 2014 में आया था तब मुझे यह बताया गया कि यहां पेट्रोल हिंदुस्तान में सभी राज्यों से सस्ता मिलता है, सबसे सस्ता। मैं अचंभित रह गया। और बहनों भाइयों, हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में इतना सस्ता पेट्रोल नहीं मिलता है जितना कि गोवा में मिलता है। सारी एक्साइज ड्यूटी ही यहां मनोहर पर्रिकर ने समाप्त कर दी। इतना ही नहीं, ऐसे परिवार जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, उस परिवार की हाउसवाइफ्स को, माताओं बहनों को 1500 रुपया प्रति महीने की धनराशि मुहैया कराई जाती है, सहायता मुहैया कराई जाती है। यह काम गोवा में ही होता है। इतना ही नहीं, हेल्थ केयर की भी एक स्कीम यहां पर चल रही है, हेल्थ केयर, उसमें मुझे बताया गया कि लगभग 2.5 लाख लोगों को यह सुविधा मुहैया कराएगा। 4 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार वहन करती है, हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में नहीं। इसके पहले यहां कांग्रेस की सरकार भी रही होगी, क्या उस सरकार ने इस काम को किया है? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इस प्रकार के काम कर सकती है, और इस सरकार ने गोवा में इसे करके दिखाया है। छोड़ दो, गोवा में इसे करके दिखाया है। कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। गोवा का हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आप ये पूछेंगे कि गोवा के लिए अब तक आपकी सरकार ने क्या काम किया है? मैं यह बताना चाहता हूं, गोवा को हम जानते हैं कि टॉप लेवल एक टूरिस्ट हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। इसलिए पहला काम हमारी सरकार ने यह किया कि इस गोवा के अंदर जो 2 लेन सिंगल लेन की रोड्स हैं, इनके स्थान पर 4 लेन्स और 6 लेन्स की सड़कें बननी चाहिए, और यहां पर बड़े बड़े ब्रिजेज भी बनने चाहिए ताकि यहां पर ट्रैफिक कंजेशन भी न होने पाए, और साथ ही साथ हमारा गोवा यह खूबसूरत भी दिखाई दे। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मुहैया कराए, आगे और भी कराएंगे, क्योंकि हम यह मानते हैं कि टूरिज्म 21st सेंचुरी का भारत का यह सनराइजिंग सेक्टर है। टूरिज्म 21st सेंचुरी का एक सनराइजिंग सेक्टर है, और इस सनराइजिंग सेक्टर में यानी टूरिज्म में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान का कोई स्टेट दे सकता है तो उस स्टेट का नाम है गोवा। बहुत सारी चीजें यहां पर, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर भी, उसका भी शिलान्यास हुआ है। सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल मुझे बताया गया कि उसका भी शिलान्यास हुआ है। ऐसे कई स्कीम्स यहां पर प्रारंभ की गई है। गोवा की अहमियत को यदि हम लोग न समझते तो आज तक कांग्रेस की हुकूमत में, भारत सरकार में गोवन मां की कोख से पैदा हुए किसी लाल को वही इज्जत नहीं मिली जो हमारी सरकार ने मनोहर पर्रिकर को, आप गोवन मां की कोख से पैदा हुए मनोहर पर्रिकर को मुहैया कराई है। और मैं कह सकता हूं कि मनोहर पर्रिकर जैसे नेता पर हम सभी हिंदुस्तानियों को नाज होना चाहिए। बहनों भाइयों, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं, डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद मनोहर पर्रिकर ने डिफेंस की कैपेबिलिटीज को यहां पर उन्होंने बढ़ाया है। वहीं पर मेक इन इंडिया के माध्यम से जो पहले हथियार हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे, उसे अब भारत में ही हथियार बनने चाहिए, यह सिलसिला भी प्रारंभ किया है, ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज, ताकि हम विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सके। मैं समझता हूं भारत के इतिहास में शायद
गोवन मां की कोख से पैदा हुए किसी भी लाल को वह इज्जत कभी नहीं बख्शी गई होगी जो इस बार मिली। वहीं पर हमारे श्रीपाद नाइक जी भी निहायत ईमानदार आदमी, वह भी हमारे भारत सरकार में आज मंत्री हैं। और गोवन के उस लाल ने वह करिश्मा किया कि पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने भारत की सीमा में रात के समय हमारे सेना के जवानों पर कायराना हमला किया। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने फर्म डिसीजन लिया और उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने का काम यदि किसी ने किया था, यही गोवन की धरती पर पैदा हुआ मनोहर पर्रिकर ने भी किया था जो डिफेंस संदेश कर। हमने सारी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब ताकतवर भारत बन चुका है। यदि हमें कोई छेड़ेगा नहीं, कोई यदि हमें छेड़ेगा तो हम उसे किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। यह हमने संदेश सारी दुनिया को दे दिया, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें कोई यदि छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। यह संदेश देने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की और उसको इंप्लीमेंट यदि किसी ने प्रभावी तरीके से किया, पूरे रात भर बैठकर देखभाल की, तो आपके यही के नेता मनोहर पर्रिकर ने किया है मेरे बहनों भाइयों। इसीलिए आज मैं आप सब से यहां पर अपील करने आया हूं, कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं आया। हमारी सरकार किसी भी सूरत में इस हिंदुस्तान के मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे, किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। आपने देखा गोवा की अहमियत को समझते हुए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहां ब्रिक्स की हुई, और मैं तो सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं यहां की गोवा की सरकार को। उसने उस ब्रिक्स के उस कॉन्फ्रेंस को भी बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न कराने में कामयाबी हासिल की है। और आज के कुछ वर्षों पहले जब हम गोवा में आते थे तो यहां पर इल्लीगल माइंस की बहुत चर्चा होती। लेकिन मैं कह सकता हूं अब शायद कोई व्यक्ति यह उंगली नहीं उठाएगा कि जो यहां पर माइंस हैं उनके एलोकेशन में किसी भी प्रकार का कोई घोटाला हुआ है, कोई करप्शन हुआ है, यह नहीं कह सकता है। बल्कि इन माइंस के एलोकेशन में जितनी मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी बरती जा सकती है वह हमारी सरकार ने उसे बरतने की कोशिश की है। इस सरकार के कितने कामों की मैं आपसे चर्चा करूं, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी है जिसे आम आदमी पार्टी कहती है। वह आम आदमी पार्टी, मैं मानता हूं कि अब आम आदमी पार्टी नहीं रह गई है, वह खास आदमी पार्टी बन गई है। दिल्ली में सरकार बनाई है, आप सब इंटेलेक्चुअल हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली में जाकर पता लगा लीजिए कि दिल्ली में कैसे सरकार चला रहे। दिल्ली फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं है, फिर भी उसे नहीं चला पा रहे। और गोवा में वह एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए हैं, क्या गोवा को इन लोगों ने प्रयोगशाला समझ लिया है? बहनों भाइयों, जो एक सरकार नहीं चला सकते वो दूसरी सरकार की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। वह अपनी साइज से कुछ बड़ा लड्डू खाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अपनी साइज से बड़ा लड्डू खाने की कोशिश करेगा उसका क्या हश्र होगा यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि हमारे यहां के कैंडिडेट राजन नाइक का नाम पहले मैंने सुना था, यहां भी आकर राजन नाइक को पहली बार अच्छी तरह मैंने देखा है। राजन नाइक जब बोल रहे थे उनके भाषण को मैं सुन रहा था और साथ ही साथ उन्हें भी नीचे से लेकर ऊपर तक गौर से मैं देख रहा था। मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, आपने पिछली बार जिसे अपना एमएलए चुना, जिसे आमदार चुना, आमदार ही बोलते हैं ना, जिसे आमदार चुना वह निहायत शरीफ इंसान को आपने आमदार चुना है, निहायत शरीफ इंसान को आपने अपना आमदार चुना है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे
राजन नाईक जी, जिनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं, यही अनुरोध करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।